हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, इसके पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग लास्ट डे के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस देश में भारत के बनाए पहले युद्ध स्मारक का अनावरण किया है। पहला युद्ध स्मारक था हमारा फ्रांस। ठीक है, पहला युद्ध स्मारक हमारा कौन सा था, फ्रांस में बनाया गया है। किसकी याद में बनाया गया है, तो यह बनाया गया जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवम्बर 1918, इसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं की याद में बनाया गया। आपको पता है कि यह जो पीरियड था, इसमें हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। भारत के ऊपर किसका शासन था, अंग्रेजों का। और गांधी जी आए थे अफ्रीका से वापस 1915 में। अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी से कहा कि गांधी जी आप भारतीयों को बोलो। वैसे तो भारतीय अंग्रेजों को लाइक करते नहीं थे, तो क्यों युद्ध में उनकी मदद करते। अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि आप भारतीयों को बोले कि हमें युद्ध में हमारी सहायता करें, बदले में हम क्या करेंगे, उन्हें कुछ चीज़ों में रियायतें देंगे, उन्हें स्वराज की प्राप्ति करने में हेल्प करेंगे। लेकिन गांधी जी ने अपना वादा निभाया, भारतीयों से बात किया, लोगों ने सपोर्ट भी किया। बाद में अंग्रेज क्या किए, अपने वादे से मुकर जाते हैं। और इसी ये जो गांधी जी ने भारतीयों को मनाया था कि आप भाग लो इस युद्ध में, इसके लिए गांधी जी को कहा जाता था सार्जेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, आता है कि सार्जेंट ऑफ ब्रिटिशर्स की उपाधि भारत को सॉरी गांधी जी को क्यों दी गई थी, इसी वजह से। ठीक, तो फिलहाल हो गया हमारा ये। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती है। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। अब 11 नवंबर तो आ गया हमारे सामने, इसके पहले के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, 5 नवंबर को मनाया गया था आयुर्वेद दिवस। 5 नवंबर को क्या मनाया गया था, आयुर्वेद, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, उसके बाद 7 नवंबर को मनाया गया था कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। ठीक, और अक्टूबर का जो मंथ गुजरा है यह मनाया गया है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है हमारा 8 नवंबर। 8 नवंबर को मनाया गया है रेडियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। ठीक, उसके बाद 11 नवंबर को आपको पता है कि उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, और यहाँ अब हम लोग बात कर रहे हैं 10 नवंबर की, तो 10 नवंबर को भी हम 11 नवंबर को भी क्या है, हमारा शिक्षक दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में एग्जिट पोल पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया है किसने, चुनाव आयोग ने। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध किसने लगाया है, चुनाव आयोग ने। आपको पता है कि अभी 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पे चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान। ठीक, तो एग्जिट पोल में होता क्या है, एग्जिट पोल में होता ये था कि जो न्यूज़ रिपोर्टर रहते थे वो जाते थे जहां पे भी वोटिंग होती थी और लोगों के व्यूज़ जान के उसी व्यूज़ के बिहाफ पे क्या करते थे, न्यूज़ बनाते थे कि हाँ कौन जीतने वाला है। इस हिसाब से क्या होता था, प्रॉब्लम होती थी। इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया। अब वोटिंग के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक, और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ओम प्रकाश रावत। अगला क्वेश्चन हमारा कि मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ होगा। मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन वाराणसी में होगा, इसका उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जो अंतरदेशीय जल परिवहन है उसको बढ़ावा मिलेगा। अगला था हमारा कि कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है नोवाक जोकोविच को। किसे चुना गया है, नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट था हमारा कि जश्न विरासत उर्दू की घोषणा किसने किया, इसकी घोषणा किया है दिल्ली सरकार ने, उर्दू साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए इसकी घोषणा किया गया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि 24th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन किया है अमिताभ बच्चन ने। इससे भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन से कि इसका थीम कंट्री कौन सा है, तो इसका थीम कंट्री है ऑस्ट्रेलिया।
कौन है? ऑस्ट्रेलिया इसका थीम है। कब से? या 7 से 10 से लेकर के 17 नवंबर तक फिल्म फेस्टिवल चलेगा, जिसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। अगला हमारा, द जेके रॉलिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी लेखिका है जेसिका टाउनसेंड। जेके रॉलिंग की लेखक कौन है? जेसिका टाउनसेंड। ठीक, फिर बात करते हैं कि किस देश के न्यूज़ चैनल ने एआई पर आधारित रोबोट को न्यूज़ एंकर बनाया? एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और रोबोट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। ऐसा करने वाला है चीन। चीन ने क्या किया है, जो हम लोग न्यूज़ सुनते हैं और जो एंकर पढ़ के सुनाते हैं, इसके लिए उसने क्या किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट को रख दिया है कि अब हमें रोबोट न्यूज़ पढ़ के सुनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन था कल का हमारा कि पपुआ न्यू गिनी के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट गिलवे की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सत्यरूप सिद्धांत है माउंट गिलवे की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं हम लोग 13 नवंबर का करंट अफेयर। ठीक, तो बात करते हैं 13 नवंबर का। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात पैदा हुआ? तो बंगाल की खाड़ी में गाजा चक्रवात पैदा हुआ है, जिससे भारत के 3 स्टेट अफेक्ट होंगे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है सिंगापुर में। ठीक, सिंगापुर आसियान का क्या है? मेंबर भी है। अब आसियान से देखिए हमारे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इसके फुल फॉर्म से बनता है। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये है फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात आती है हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता। जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की। आपको पता होना चाहिए जब भी इंडोनेशिया का नाम आए कि अभी जो एशियन गेम्स 2018 में हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं? इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता और पालेमबांग में हुए हैं। ठीक, इस्टेब्लिश कब हुआ था या? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान इस्टेब्लिश हुआ था। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको देख लीजिए, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, ब्रुनेई, वियतनाम और थाईलैंड, ये इसके मेंबर कंट्री हैं। अगर हम लोग सिंगापुर के जो हमारी प्रेसिडेंट है उनकी बात करें तो हलीमा याकूब है। और ये जो 33वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है सिंगापुर में, इसकी अध्यक्षता किया है सिंगापुर के पीएम ली हसी लू ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में ग्लोबल आईटी चैलेंज फॉर यूथ कहाँ पर, यूथ का समापन कहाँ पर हुआ है? तो इसका समापन हुआ है नई दिल्ली में। मैंने आपको 11 तारीख को पढ़ाया था कि यह 9 से लेकर के 11 नवंबर तक चल, 9 को शुरू होगा और 11 नवंबर को ख़त्म होगा। इसका या किसके द्वारा करवाया गया? तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। इसमें कुल 18 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 13 से 21 आयु वर्ग के 100 दिव्यांग ने पार्टिसिपेट किया था, और 100 में से 55 को क्या किया गया है? अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किस मंत्रालय का भी पूछ सकता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू करवाया है इसे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में फिनटेक महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? फिनटेक महोत्सव शुरू हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, तो सिंगापुर का नाम आते ही याद रखिएगा कि सिंगापुर में क्या हुआ है, 33वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है और सिंगापुर की प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। ठीक, अब इस फिनटेक महोत्सव में क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग के मुद्दों पर चर्चा होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में मछली आयात पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो मछली आयात पर प्रतिबंध लगाया है गोवा ने। अब गोवा से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। जैसे गोवा के कैपिटल की बात करें तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक, वहाँ के सीएम है मनोहर पर्रिकर। कौन है? मनोहर पर्रिकर। अगर हम लोग गोवा की बात करें तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक, और आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ पे आए थे? गोवा पर कब्जा किए थे। कहाँ पे कब्जा किए थे? गोवा पर। ठीक, और करीब 450 साल तक शासन करने के बाद सबसे अंत में गोवा को आज़ादी मिली थी 1961 में। 19 दिसंबर 1961 में गोवा को भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था, और इसी दिन 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, योगा एंड माइंडफुलनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं मानसी गुलाटी। ठीक, जिसका अनावरण किसने किया है? वेंकैया नायडू ने।
योगा एंड माइंडफुलनेस। इंस्पायर 2018 का उद्घाटन किसने किया? इंस्पायर 2018 का उद्घाटन किया है आर के सिंह, ये हमारे ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में अंटार्कटिका में नया हिमनद किसने खोजा? अंटार्कटिका में नया हिमनद खोजा है नासा ने। ठीक, नासा क्या है? अमेरिका के एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह कब बना था? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में अंटार्कटिका का भी नाम आया, तो देख लेते हैं यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता हुआ यह बनता है कि भारत का कौन सा अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में? तो देखिए, पहले दक्षिण गंगोत्री था, उसके बाद अब कौन सा चल रहा है? मैत्री अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका की बात करें तो यह विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के सबसे अधिक संकुल शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो शीर्ष पर है बंगलोर। संकुल की बात करें तो कंजेस्टेड, सबसे कंजेस्टेड शहर कौन सा है? बंगलोर। सेकंड पे मुंबई है, थर्ड पे हमारा है नई दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में लालन सारंग का निधन हो गया, वह कौन थी? तो लालन सारंग कौन थी? एक अभिनेत्री थी। देखिए, मैंने यहाँ पे गलती से नाम ही लिख दिया है। ठीक, कौन थी? अभिनेत्री, या एक मराठी अभिनेत्री थी, काफी फेमस थी, इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है। ठीक, लालन सारंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और उसमें एग्जाम ट्रेंड्स लिंक को सब्सक्राइब करिए, आपको इस वीडियो की PDF वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी अगर आपके वीडियोस पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए। आप लोग का कमेंट आ रहा है जो बैक डेट के जो करंट अफेयर छूटे हुए हैं उनको पढ़ाने का, तो देखिए मैं एक दो दिन में उसको शुरू कर दूँगी। ठीक है, अभी नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ, एक दो दिन के बाद आपको धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे और आपकी क्लासेस परसों से पूरा रूटीन में चलेंगी। ठीक, कल अभी अभी तो एक ही दो वीडियो जा पा रहा है, लेकिन परसों से आपको जो आपकी चार क्लासेस मिलती थी सभी क्लासेस मिलेंगी। क्यों? क्योंकि देखिए, वीडियो का एग्ज़ाम भी नज़दीक है और आपको पता है कि नेट का भी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो बहुत से लोग होंगे जो फॉर्म भरे होंगे वीडियो और नेट दोनों का। ठीक, इस वजह से हम लोग इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में अब जुटने वाले हैं परसों से। ठीक, तो तब तक के लिए आप लोग एकदम अच्छे से मन बना लीजिए कि हाँ, परसों से क्लासेस रेगुलर हो जाएगी, हमें पढ़ाई करना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।